स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स जानने के लिए स्पोर्ट्स स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार से पर्थ के नए स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पर 1-0 की बढ़त बना रखी। भारतीय कप्तान विराट कोहली का रुख हमेशा की तरह आक्रामक बना हुआ है और उन्होंने मैच से पहले पिच पर बयान देकर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की है। पर्थ के पिच क्यूरेटर ने कहा है कि उन्हें तेज और उछाल भरी पिच तैयार करने को कहा गया है। कोहली ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो खुश हैं कि पिच पर घास है क्योंकि वो मुश्किल पिच पर खेलना चाहते हैं। कोहली ने कहा कि हमारे पास मैच विनर गेंदबाज हैं जो कि 20 विकेट ले सकते हैं, साथ ही सभी गेंदबाज अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। प्लेइंग 11 की बात कर ले तो रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और पृथ्वी शॉ इंजरी के चलते दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि ओपनिंग एक बार फिर से केएल राहुल और मुरली विजय ही करेंगे। रोहित की जगह टीम में हनुमा विहारी और अश्विन की जगह रविंद्र जडेजा को शामिल किया जा सकता है। हालांकि पिच को देखते हुए भारत चार तेज गेंदबाज भी शामिल कर सकता है। मौसम की बात कर ले तो पर्थ में काफी गर्मी है और तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है।